नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जॉनडियर के 5210 ट्रैक्टर के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जॉनडियर के 5210 ट्रैक्टर के बारे में। जॉनडियर एक और ट्रैक्टर बनाता है, जॉनडियर 5210 गैर प्रो ट्रैक्टर, लेकिन वो जो ट्रैक्टर है वो थोड़ा कॉस्टली है और नए जमाने का ट्रैक्टर है। 2020 में रिसेंटली जॉनडियर कंपनी ने लॉन्च करा है, उसमें आपको गियर ज़्यादा मिल जाते हैं, थोड़े बहुत जो फीचर्स है वो आपको उस ट्रैक्टर में थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन कीमत भी कहीं ना कहीं आपको उस ट्रैक्टर में ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका बजट कम है, आपको एक अच्छा ट्रैक्टर चाहिए और 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए, एक सिंपल सोवर पैसा वसूल अगर आपको ट्रैक्टर चाहिए, तो जॉनडियर का 5210 नॉर्मल जो ट्रैक्टर है, पुराना जो ट्रैक्टर है, वो आपको मिल जाएगा। अभी भी मार्केट में अवेलेबल है ये वाला ट्रैक्टर। जॉनडियर कंपनी अभी भी इस ट्रैक्टर को बना रही है, साथ में गियर प्रो ट्रैक्टर जो है उसको भी बना रही है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट पर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, आप दोनों में से जो ट्रैक्टर लेना चाहे वो ले सकते हैं। दोनों ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया है, दोनों ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस ट्रैक्टर की कीमत कितनी है। तो कीमत की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रैक्टर है ये आपको तकरीबन 7,10,000 रुपये से लेके तकरीबन 7,60,000 रुपये तक का पड़ जाएगा। ट्रैक्टर की कीमत जो है वो प्लस माइनस हो सकती है, डिपेंड करता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमत रहती है। ये मैं आपको जो कीमत बता रहा हूँ ये तकरीबन टू व्हील ड्राइव की कीमत है। फोर व्हील ड्राइव अगर आप लेंगे तो तकरीबन 8 लाख रुपये तक आप उसकी प्राइस कंसिडर करके रख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 7,10,000 से लेके तकरीबन 8 लाख रुपए तक की इसकी प्राइस रेंज रहती है। तो आपको टू व्हील ड्राइव लेना है या फोर व्हील ड्राइव लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फोर व्हील ड्राइव में थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, टू व्हील ड्राइव में आपको उतने अच्छे अच्छे फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन टू व्हील ड्राइव काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है, 50 हॉर्स पावर के हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो चलिए और आगे डिटेल में हम जानकारी लेते हैं। अगर हम बात करें हॉर्स पावर की तो ये जो ट्रैक्टर है ये 50 हॉर्स पावर का है। इंजन की कैपेसिटी की अगर हम बात करें कि कितने सीसी का इंजन इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाएगा, तो 2900 सीसी का इस ट्रैक्टर में आपको इंजन मिल जाता है। इंजन के आरपीएम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर का इंजन जो है वो 2400 आरपीएम जनरेट करता है। अगर हम बात करें सिलेंडर की तो इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। एयर फिल्टर की अगर मैं बात करूँ तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर मिल जाता है। काफ़ी बड़ा एयर फिल्टर का साइज़ है, इस ट्रैक्टर का एयर फिल्टर काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करा गया है। कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको कूलेंट कूल्ड इंजन मिल जाता है। कूलेंट कूल्ड इसमें इसलिए खास तौर पे बताया गया है, जॉनडियर के जितने भी ट्रैक्टर हैं उनमें वाटर का यूज़ मत करिएगा। इनमें खास तौर पे जॉनडियर कंपनी अपना खुद का एक कूलेंट बनाती है, वो आप यूज़ करिएगा। और 5 साल तक मेरी अगर आप एडवाइस माने तो आप वही कूलेंट कंपनी से खरीद के यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप कूलेंट चेंज करते हैं तो कंपनी कई बार आपके उसके शिकायत करती है और आपके वारंटी वगैरह में कहीं ना कहीं वो कॉस्ट कटिंग कर देती है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप कंपनी का ही कूलेंट यूज़ करिए, काफ़ी बढ़िया कूलेंट जॉनडियर कंपनी बनाती भी है। फिलहाल वो एक तरीके से परचेस करके अपनी ब्रांडिंग करके उसको सेल करती है, लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया वो कूलेंट है। तो कूलेंट कूल्ड इस ट्रैक्टर में आपको इंजन मिल जाएगा। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको जो ट्रांसमिशन टाइप मिलेगा वो कॉलर शिफ्ट वाला इसमें आपको ट्रांसमिशन मिल जाएगा, जिसकी गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बढ़िया गियर शिफ्टिंग इसमें आपको देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर में आपको 9 फॉरवर्ड गियर मिल जाएंगे, 3 रिवर्स गियर मिल जाएंगे, तो काफ़ी बढ़िया गियर की शिफ्टिंग वगैरह भी और काफ़ी बढ़िया गियर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तकरीबन 12 गियर इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाते हैं, तो नॉर्मल यूज़ के हिसाब से ये गियर जो है सफिशियंट है। क्लच की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल क्लच का भी ऑप्शन मिल जाएगा, डुअल क्लच का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं एडवाइस यही दूंगा कि आप डुअल क्लच वाला ट्रैक्टर लीजिए, 50 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर है। तो जाहिर सी बात है आप इसमें थ्रेशर वगैरह रोटावेटर वगैरह भी यूज़ करेंगे तो डुअल क्लच पर लोड जो है वो काफ़ी कम पड़ेगा, तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस ट्रैक्टर देगा, बाकी आपके बजट पर डिपेंड करता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की स्पीड की। तो फॉरवर्ड गियर में इस ट्रैक्टर की जो स्पीड है वो तकरीबन 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक्टर भाग सकता है। काफ़ी बढ़िया स्पीड इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। रिवर्स स्पीड की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में जो रिवर्स स्पीड आपको देखने को मिल जाती है वो है तकरीबन 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक्टर रिवर्स गियर पर भी भाग सकता है। रिवर्स स्पीड भी आपको इसमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो ट्रैक्टर आप आगे हो या पीछे हो काफ़ी बढ़िया स्पीड पे भगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस ये ट्रैक्टर देता है।
ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल इमर्ज्ड ब्रेक मिल जाएंगे, आपको इसमें ड्राई डिस्क ब्रेक वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल ऑयल इमर्ज्ड ब्रेक कंपनी बनाती है। काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम है और ऑयल इमर्ज्ड ब्रेक, तेल में डूबे हुए जो ब्रेक हैं, ये आज की तारीख में सबसे बढ़िया है। काफ़ी अच्छे इन ब्रेक्स की परफॉर्मेंस है, काफ़ी कम मेंटेनेंस वाले ब्रेकिंग सिस्टम माने जाते हैं। टर्निंग रेडियस विद ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर की जो टर्निंग रेडियस है वो है 3181 mm, तो काफ़ी कम टर्निंग रेडियस इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाएगी। ट्रैक्टर के साइज के हिसाब से टर्निंग रेडियस अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी कम टर्निंग रेडियस इस ट्रैक्टर की है। स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है, इसमें आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग नहीं मिलेगी, मैनुअल स्टीयरिंग इसमें आपको नहीं मिलेगी, इसमें आपको पावर स्टीयरिंग ही मिलेगी। फिलहाल 50 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर है तो पावर स्टीयरिंग जाहिर सी बात है आपको इस ट्रैक्टर के साथ लेनी चाहिए, पावर स्टीयरिंग ही इसमें आपको मिलेगी। तो काफ़ी बढ़िया पावर स्टीयरिंग जॉन डीयर कंपनी डिज़ाइन करता है, स्टीयरिंग में आपको कभी भी कोई भी काम देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी लो मेंटेनेंस इस ट्रैक्टर का जो स्टीयरिंग है वो है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इस ट्रैक्टर के पावर स्टीयरिंग करता है। पीटीओ की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर का जो पीटीओ वो आपको 6 स्प्लेन का मिल जाएगा। पीटीओ के आरपीएम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर का पीटीओ जो है काफ़ी बढ़िया आरपीएम जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर का पीटीओ 540 से लेके 2376 तक आरपीएम जनरेट करता है, तो काफ़ी ज़्यादा आरपीएम भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो आप रोटावेटर, थ्रेशर वगैरह काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता आपको इतने ज़्यादा आरपीएम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया इसमें आपको आरपीएम देखने को मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर का पीटीओ जो है वो तकरीबन 43 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है, तो काफ़ी बढ़िया पावर आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर का पीटीओ जनरेट करता है। आप इसमें जो नॉर्मल थ्रेशर वगैरह है वो आप यूज़ कर सकते हैं, रोटावेटर वगैरह भी आप इसमें काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल भूसा मशीन वगैरह में उतना अच्छी परफॉर्मेंस ये ट्रैक्टर नहीं दे पाएगा, उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप 53-10 ट्रैक्टर देखिए, 55 हॉर्स पावर तक का आप ट्रैक्टर इसमें देखिए। फिलहाल अगर आपको नॉर्मल घर के यूज़ के हिसाब से चाहिए तो आप इसको काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। घर के यूज़ के लिए आप भूसा मशीन का भी या हैवी मशीनरीज का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि कम समय के लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर आप उसको लंबे टाइम के लिए यूज़ करेंगे या किराया वगैरह भी यूज़ करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रैक्टर जो है वो आपका काफ़ी जल्दी वीक हो जाएगा, काफ़ी जल्दी इस ट्रैक्टर को रिटायरमेंट लेना पड़ जाएगा। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 68 लीटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सफिशियंट आप कह सकते हैं इस ट्रैक्टर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। फिलहाल एवरेज के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आपको इसमें ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। जॉन डीयर के ट्रैक्टर जो है एवरेज उतना अच्छा नहीं देते हैं बाकी अदर ट्रैक्टर से हम कंपेयर करें तो, लेकिन काम बाकी अदर ट्रैक्टर से ज़्यादा निकाल के देते हैं, तो आप बात बराबर समझ सकते हैं, काम भी ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया निकालता है, काफ़ी जल्दी काम करके आपको ट्रैक्टर देता है, तो समय की भी बचत इसमें आपको होती है कहीं ना कहीं, तो टाइम ज़्यादा कीमती है, शायद एवरेज उतना ज़्यादा कीमती नहीं है। चलिए हम बात करते हैं डायमेंशन और वेट की। तो इस ट्रैक्टर का जो वजन है वो है तकरीबन 2105 किलोग्राम। व्हील बेस की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर का व्हील बेस जो है वो है 2050 mm। ओवरऑल लंबाई की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर की जो ओवरऑल लंबाई है वो है 3540 mm। लिफ्टिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो है तकरीबन 2000 किलोग्राम, तो काफ़ी बढ़िया लिफ्टिंग कैपेसिटी भी आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाती है। चलिए हम बात करते हैं टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ में भी इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट टायर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 616 का टायर भी मिल जाएगा और 7.5x16 का टायर भी देखने को मिल जाएगा। पिछले टायर की अगर हम बात करें तो पिछले टायर इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, 14.9x28 का इसमें आपको पहला साइज़ देखने को मिल जाएगा और दूसरा जो है वो आपको 16.9x28 का टायर साइज़ भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको उसमें 16.9x28 वाला जो टायर साइज़ है वो ही मिलेगा। तो 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया टायर साइज़ इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाता है। टायर जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा ज़मीन से पकड़ बना के ट्रैक्टर चलेगा, उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर ट्रैक्टर दे पाएगा। ड्राइव टाइप की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रैक्टर है आपको टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव दोनों में मिल जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रैक्टर चाहिए। अगर आप फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं वेट और जो डायमेंशन वगैरह है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बाकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया है, ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, एवरेज भी काफ़ी बढ़िया इस ट्रैक्टर का है। बाकी अगर ट्रैक्टर से हम कंपेयर करें तो काम भी ये ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा निकालता है। वारंटी की अगर हम बात करें तो जॉन डीयर कंपनी जो है वो 5 साल की वारंटी देती है, जिसमें नॉर्मल सर्विसिंग वगैरह या फिर अगर कोई बड़े पार्ट्स की टूट फूट वगैरह होती है तो उसकी रिप्लेसमेंट वगैरह भी जॉन डीयर कंपनी करके देती है। काफ़ी बढ़िया वारंटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। फिलहाल जॉन डीयर कंपनी मेंटेनेंस के नाम पर कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा बहुत पैसा ले लेती है, लेकिन 5 साल तक आपको इसमें सर्विसिंग मिल रही है तो काफ़ी बढ़िया आपके लिए है।
फिलहाल जॉनडियर के ट्रैक्टर जो है वो काफी लो मेंटेनेंस माने जाते हैं, आप उनको इजीली यूज कर सकते हैं, आप जहां मर्जी वहां उस ट्रैक्टर को अड़ा दीजिए, आगे से लेके पीछे तक कभी भी कोई भी शिकायत आपको इस ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिलेगी। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं और मुझे नहीं लगता 5 साल तक कोई भी आपको बड़ा काम इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। आप इस ट्रैक्टर को काफी हैवी से हैवी लोड में भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा ही पावरफुल ट्रैक्टर की ज़रूरत है तो आप 55 हॉर्स पावर, इसमें आपको 100 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर देखने को मिल जाएंगे और उससे ज़्यादा भी बड़े आपको ट्रैक्टर देखने को मिल जाएंगे। जॉनडियर कंपनी भारत में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा किसान इस ट्रैक्टर पर भरोसा करते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस और क्वालिटी जॉनडियर कंपनी काफ़ी बढ़िया दे रही है। क्वालिटी में कंपनी कहीं से कहीं तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है। कीमत ज़रूर ट्रैक्टर कंपनी जो है वो थोड़ा बढ़ाती जा रही है समय पर, लेकिन क्वालिटी में कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं कर रही है। फिलहाल किसान भाइयों, ये थी जानकारी जॉनडियर के 5210 ट्रैक्टर के बारे में। अगर आपको जॉनडियर 5210 गियर प्रो ट्रैक्टर की भी वीडियो देखनी है तो हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, और बाकी अदर कंपनीज के ट्रैक्टर पर भी हमने वीडियो बना रखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिलहाल किसान भाई, इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार। We'll be right back.